छिंदवाड़ा जिले के चौराई ब्लॉक में चंदनवाड़ा के कैंप में रखा हुआ 1,26,000 क्विंटल धान के खराब होने का मामला सामने आया है। करीब 24 करोड़ रुपए लागत की इस धान का भंडारण भी खुले आसमान के नीचे किया गया है, जो कि अब पानी में भीग कर पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसके अलावा इसकी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए है। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल इस मामले पर जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। गरीबों को बांटने के लिए 2020 में 1868 रुपए क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदी किया गया 1,26,362 क्विंटल धान, जिसकी कीमत 23,71,00,000 रुपए है, अब इंसानों के खाने लायक नहीं बचा है। इस कैंप में कुल 1,90,442 क्विंटल धान रखा गया था, जिसमें 71,080 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। बाकी 1,26,362 क्विंटल यहां पर पड़ा हुआ सड़ रहा है। धान के खराब होने के कारण इसे मिलर भी लेने से इनकार कर रहे हैं। अनाज के बोरों से बदबू आ रही है, अनेक बोरे फट चुके हैं और उनमें से पौधे निकल आए हैं। धान के दाने काले पड़ चुके हैं। जिस मार्कफेड को इस अनाज के रखरखाव की जिम्मेदारी दी थी, उसने इनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए। मैदान के चारों तरफ लगा दी गई फेंसिंग पूरी तरह से टूट चुकी है। भंडारण में पूरी तरह लापरवाही बरती गई है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब अनाज पूरी तरह सर जाने के बाद अधिकारी उसके सेमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। अभी खराब हुए गेहूं की जांच कराई गई थी, जिसमें अनाज को पूरी तरह से खराब पाया गया और उसके निस्तार के लिए राज्य शासन से आदेश मांगे गए हैं। अब गेहूं के बाद धान के खराब होने का मामला भी सामने आया है, जिसमें अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल इस मामले पर भी पहले की तरह जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अगर हम केवल इस कैंप में बर्बाद हुए गेहूं और धान की कीमत का आकलन करें तो 50 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान सामने आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही के कारण कितने अरबों रुपयों का नुकसान हुआ होगा। अब यह अनाज किसी भी रूप में इंसान के खाने योग्य नहीं बचा है, इसे केवल शराब फैक्ट्रियों को दिया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक अधिकारियों द्वारा शराब फैक्ट्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर हर वर्ष इसी तरह से अनाज को सड़ाया जाता है। यहाँ तक कि गोदामों के खाली रहने के बावजूद भी इस अनाज को वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि इस नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है। यहाँ कितना धान करीब एकत्र हुआ है? 1,90,442 क्विंटल इकट्ठा हुआ था। हाँ? जिसमें परिधान हो चुका है 70,000 क्विंटल, 1,26,362 क्विंटल। ये कब से एकत्र हुआ था? ये 27/12/2000 से। 27/12/2000 से तो ये धान का अब क्या होगा? अभी 18-40 तो इसमें तो कुछ बचा नहीं है, पूरा खराब हो चुका है धान। तो धान तो ठीक है सर, जगह कुछ स्टेकों में है, बाकी धान ठीक, बारदा ने कुछ खराब है। वो तो घुसा बन चुका है उसमें धान में। नहीं, धान ठीक है, बारदा ने खराब पानी का। इससे इसकी सुरक्षा की है, ऐसे पानी से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है? आपने कभी कहा नहीं सरकार से कि ये उठाया जाए? किए ना सर। क्या किए? जिला अधिकारी को बताया। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि यहाँ तत्काल उठाया चालू हो रहा है। अगर कहीं आप मुझे दीजिए, मैं जांच कराऊंगा, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से पूरे सुनिए मैं जांच करा दूंगा। लेकिन देखिए, जो गलती करता है तो उसको छुपाने का प्रयास करता है, लेकिन हम उसको उजागर करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य, अरे मेरी बात तो सुनो भाई, दुर्भाग्य देखिए, 60 साल शुरू में तो कांग्रेस की सरकारें लगी, कहीं एक वेयरहाउस नहीं बनाया, कहीं एक कोल्ड स्टोर भी बनाया। हमने तो प्रयास किए, इतने बनाए भी हैं। और अभी ये जो स्वामी की योजना है, इससे किसान अब खुद वेयरहाउस बना सकेगा, कोल्ड स्टोर बना सकेगा, किसान उत्पादक समूह। 1,00,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हहैं भारत सरकार प्रधानमंत्री को, 3% ब्याज की छूट रहेगी, उससे कोल्ड स्टोरेज और वो बनेंगे, वेयरहाउस बनेंगे, उससे करेंगे। लेकिन इसमें हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम गरीबों को कहीं भी खराब अनाज नहीं दे रहे, जो भीग गया खराब हो गया उसको हम नीलाम कर रहे हैं, उससे एथेनॉल और ये दूसरी चीजें बनी बन गई उसमें, लेकिन गरीब को पर्याप्त दे रहे हैं। कहीं गड़बड़ी है, अब बताएं हम उस पर कार्रवाई करें।
BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।